हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय चैनल दीपाली इज ऑसम वर्ल्ड। आज हम ये किचन डेकोर आइटम बनाएंगे और ये हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। इसके लिए हम ये वुडन लैडर लेंगे जो आपको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएगी। मेरे पास घर पे पड़ी थी तो मैंने सोचा इसको रीयूज किया जाए, कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाया जाए। तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसको पूरा कलर कर लेंगे। कलर हम एक्रेलिक पेंट से भी कर सकते हैं और ऑयल पेंट से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फेविक्रिल के एक्रेलिक पेंट लिए हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। मैं इस पे येलो कलर करूंगी। इसको पूरा पेंट कर देंगे। ये एक्चुअली डबल कोटिंग होगी। ये पेंट करने के बाद मैं थोड़ी देर ड्राई करने इसको रख दूंगी और उसके बाद ये जब कम्प्लीटली सूख जाएगा तब मैं इस पे डबल कोट करूंगी। अब ये रेड और येलो कलर मिक्स करके मैं ऑरेंज कलर बनाऊंगी। अब ये मेरा हो गया है वन कोट। अब इसको मैं ड्राई करने के लिए रख दूंगी। अब इस पे जो भी डिजाइन आप चाहते हैं वो बना लीजिए स्केच पेन की हेल्प से। अब हम इसको पेंट कर लेंगे। Thank you.
ये बर्ड हाउस अभी हमारा गीला है तो इसको रख देंगे, और ये बर्ड हमारी सूख गई है तो इसके ऊपर हम लाइंस पेंट करेंगे जिससे ये एक केज का इफेक्ट देगी। अब हमारा ये डेकोर आइटम बनके तैयार है, इसको हम ड्राई करने के लिए रख देंगे और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम इस पे वार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने ये स्प्रे वार्निश यूज करी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्प्रे वार्निश हमेशा आप ओपन एरिया में करिए, यहाँ मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर इसीलिए इसको कर रही हूँ, कमरे के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसको। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल किचन डेकोर आइटम हमारा बनके तैयार है, एक सिंपल से वुडन लैडल से। मैंने यहाँ पे इसको अपने शेल्फ पे लगा दिया है एक स्ट्रॉन्ग डबल टेप की हेल्प से। अगर आपको ये DIY पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।